हरभजन सिंह जो कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड कुछ बातें की हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हलचल सी मची है। हरभजन सिंह ने भाईजान बाबर आजम को ना टट्टी लेवल का प्लेयर बना दिया, टट्टी लेवल का प्लेयर बाबर आजम को हरभजन सिंह ने बना दिया। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है और ये वीडियो इंडिया से है, जहां पर तीन चार लोंडे लफाड़े बैठे हुए और उनके बीच में हरभजन सिंह बैठे हुए। अब उसने पूछा कि यार ब्रायन लारा और बाबर आजम, अब वो हंसने के बाद हरभजन भाई ने तो कुलाटियां मारनी शुरू कर दी, फल उतार रहे हैं, ये उतार रहे हैं। अच्छा, ब्रायन लारा या कुमार संगकारा? ब्रायन लारा या बाबर आजम? मतलब यकीन करो, पूरी दुनिया इस टाइम पर बाबर के खिलाफ है। लेकिन देखो, पाकिस्तान के सुपरस्टार बाबर आजम इस टाइम पर बड़े ही तनकीद का निशान है और आजकल लोगों ने जो उसको पेला हुआ है, मतलब कोई रहम नहीं कर रहा, बिल्कुल तेल के बगैर बाबर को पेले। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता कि आप कह रहे हैं कि बाबर आजम जो है सब उसी पर डिपेंड करें और सब अपना काम ना करें। मुझे बता दें, जब हम कहते हैं बिग प्लेयर, तो क्या हम कभी भी बिग मैच में उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते? आखिरी बड़ा मैच मुझे बताइए जो बाबर आजम ने कहा हो, ये मैं जिताता हूं, 119 रन कुछ नहीं है, मैं आके करता हूं, मैं लीड करता हूं। आप मिलाते हैं विराट के, मैं कहूंगा विराट कोहली इज द फादर ऑफ बाबर आजम इन क्रिकेट। सीधी सी बात है, क्रिकेट में बाबर आजम विराट कोहली को टच भी नहीं कर सकता। विराट कोहली कहाँ पे, बाबर आजम कहाँ पे, खत्म है बाबर आजम। आप मानते हो कि विराट कोहली बड़ा बैट्समैन है? डेफिनेटली, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्रिकेट खुद बोलती है। फिर विराट कोहली के आईसीसी इवेंट के रिकॉर्ड आप देखें, एवरेज उसकी 67 की है, उसने कई मैचेस जितवाए हुए हैं, क्योंकि वो तो उसके बगैर भी जीत रहे हैं हमारे यहाँ। उनके प्लेयर्स ने अपने मुल्क को मैच जितवाए, चाहे वो रोहित हो, चाहे विराट हो, चाहे एच वाई जेड कोई और, सूर्य कुमार यादव हो, हमारे यहाँ बाबर पे सारा डिपेंड करते हैं, लेकिन वो उसने इंडिया के अगेंस्ट कितने मैच जितवाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आईने न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज है और न्यूज ये है कि जो हरभजन सिंह है उन्होंने बाबर आजम का मजाक उड़ाया है। दोस्तों, दरअसल एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें यह देखा जा सकता है कि जब एंकर जो है वो हरभजन सिंह से पूछता है कि ब्रायन लारा या जो बाबर आजम है, इन दोनों में कौन सबसे अच्छा बैट्समैन है, तो उस पर जो हरभजन सिंह है वो खड़े होकर खूब हंसने लगते हैं। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई और ये वीडियो पाकिस्तान तक भी पहुंच गई और इसी को देखे पाकिस्तानी मीडिया जो है वो अब गुस्से से भर गई और उसका ये कहना है कि हरभजन सिंह जैसे बड़े प्लेयर को ऐसा नहीं करना चाहिए और हमारे नंबर वन क्रिकेटर बाबर आजम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दोस्तों, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, इसको देख के आपको भी पता चल जाएगा कि जो हरभजन सिंह है उन्होंने कहीं ना कहीं जो बाबर आजम है उनको टारगेट तो किया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मतलब जिस प्रकार से वो हंस रहे थे उसको देख के पाकिस्तानियों की जल गई है, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो चाहे कुछ भी हो जाए बाबर आजम को नंबर वन प्लेयर तो मानते ही। और उनके बीच में हरभजन सिंह बैठे हुए हैं, हरभजन सिंह बज्जू, ये वही बज्जू हैं जो अक्सर कहा करते हैं, कपिल के शो में भी इन्होंने कहा था कि शोएब अख्तर साहब हमें कमरे में आकर जूते मारा करते थे और जाहिर है हरभजन से डरते भी थे, और फिर जो फेंटा वो बॉलर्स या वो खिलाड़ी पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम को लगाते हैं वो एक तारीख का हिस्सा है, लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी टीम कमजोर पड़ गई है और ये मजाक उड़ा रहे हैं। इससे पहले हरभजन सिंह ने एक मजाक उड़ाया था कामरान अकमल साहब को, बड़ी सख्त बातचीत की थी, लाना तो तुम्हारे मुंह पर, इस तरह की गुफ्तगू की थी। लेकिन अब हरभजन सिंह ने जिस तरह से बाबर आजम का मजाक उड़ाया है, ये नहीं हो सकता कि एक क्रिकेटर करे। ये वही इंसान कर सकता है जो बहुत गिरा हुआ हो या बहुत छोटा हो या बहुत नीचे हो, बिल्कुल जो एक सताई लेवल का इंसान हो वो कर सकता है। हरभजन सिंह हालांकि तवक्को नहीं, लेकिन वहां पर वो उनमें से एक बैठा हुआ ये कह रहा है कि ना पाजी संगकारा या फिर ब्रायन लारा, तो सब कहते हैं संगकारा, नो डाउट बड़ा खिलाड़ी है। अब वो पाजी खुद कहते हैं ब्रायन लारा या फिर बाबर आजम। अब इसके ऊपर जो भज्जी पाजी थी, भज्जू था, हरभजन सिंह था, उसने बंदर की तरह गुलाटी मारी और उठकर जनाब कभी संतरे उठाकर इस तरह करने लगे, कभी किसी ने सर के ऊपर मग्गा रख दिया, हरभजन उठकर हंसते, एक बड़ी तजहीक अमेज तरीके से, जैसे तोहीन कर रहे हो बाबर आजम की, जैसे तोहीन कर रहे हो नंबर वन खिलाड़ी की। हमारी शिकवे शिकायत है बाबर के साथ, बाबर वो डिलीवर नहीं कर सका जो हम चाह रही थी, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम डिजर्व करती थी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हरभजन सिंह जैसा एक मीडियोकर खिलाड़ी, एक ऐसा खिलाड़ी कि जिसकी अपने इंटरनेशनली कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वो एक तासुब से भरा हुआ खिलाड़ी, एक ऐसे फोरम पर बैठकर दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू बातचीत करे। बाबर दुनिया का बेहतरीन खिलाड़ी है, एक रियलिटी है, और फेल हुआ है बाबर कुछ टाइम पर,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस तरह से तोहीन, इस तरह के मीडियोकर खिलाड़ी बैठकर या फिर इस तरह के लोंडे लफाड़े बैठकर करना शुरू कर दें। अब इसके ऊपर रद्दअमल में देख रहा था आया है, ये थैला नाम का एक ट्विटर अकाउंट है और ये थैला धोनी को कहते हैं, ये थैला रोहित शर्मा को कहते हैं, तो ये थैला उसको कहते हैं जिसका पेट निकला होता है। तो थैला लिखता है, दे आर जस्ट हेटिंग प्लेयर्स ऑन पर्सनल लेवल, यानी नफरत करते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों से पर्सनल लेवल पर आकर, जातियात पर आकर। डज बाबर कंपेयर्ड हिमसेल्फ विद एनीवन, या बाबर ने अपने आप को कंपैरिजन, बाबर को कह रहा है कोहली ग्रेट खिलाड़ी है, शर्मा ग्रेट खिलाड़ी, ब्रायन लारा तक तो पहुंच ही कोई नहीं सकता ना, लारा तो कुछ चीज ही अलग है, लारा तो कोई एक वो कह रहे हैं लीग ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेंटलमैन, लारा संगकारा विवियन रिचर्ड फिर महिला जयवर्धने, ये कोई अलग ही लीग थी, आई मीन सचिन राहुल द्रविड़ लक्ष्मण ये कोई अलग लेवल के खिलाड़ी थे, लेकिन ये जो बैठे हुए यहां पर लोंडे लफाड़े ये कोई अलग नस्ल के लोग हैं। यार इस चीज से मेरा भाई बहुत इख्तलाफ है, सोशल मीडिया पे हर किस्म का चूरन बिक जाता है, और सोशल मीडिया पे मैं बताऊं इतने सीरियस लोग नॉन सीरियस जिस कैटेगरी में चाहे भांड मरासी सब बैठे हुए हैं, लेकिन यार जिन लोगों की बहुत ज्यादा इज्जत है जो इस खेल से मुंसलिक रहे हैं, मतलब वसीम अकरम, वकार यूनुस, कपिल देव, शास्त्री हो गए, सब हो गए, इन तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि अपना एक डेकोरम जो है वो बरकरार रखना चाहिए। अच्छा बहुत सारे खिलाड़ी करते हैं बिलो द बेल्ट, कभी नहीं जाते, पाकिस्तान के अंदर इंसिडेंट हुआ रजाक ने ऐश्वर्या राय के मुतल्लिक का, इंडियन मीडिया तो बात तक पहुंची, मैं उस प्रोग्राम उस फंक्शन में मौजूद था, ये इंडिया में तो मीम्स बनी बाद में बनी कि अमिताभ बच्चन हो गए, जैसे वो फंक्शन चल रहा था 2009 के टी20 वर्ल्ड कप की सारी फातिया टीम बैठी थी, जैसे ही रजाक ने कहा, मैंने एक दो खिलाड़ियों से कहा जो वो, मैंने कहा इसने क्या कहा ये रजाक ने, उनका नहीं ऐसा यार, अब वल्ला आलम उन्होंने सुना था, कह ले यार हमने सुना नहीं, लेकिन मुझे पता था कि ये एक शुरली बन के जाएगी और वही हुआ, और पाकिस्तान में भी क्रिटिसाइज हुआ वही हुआ। अब आप मुझे बताओ इंडिया के अंदर एक वो टॉक शो चल रहा है टीवी में, सोशल मीडिया पे मैंने देखा हरभजन यार बहुत अच्छा बॉलर है, इज्जत करते हैं वो आपस में, एक उनका चुलबुलापन जो लगा रहता है शोएब अख्तर से, हमने देखा वो भी उससे मस्ती मजाक वो भी उससे सब करता रहता है। अब होता क्या है कि ये जो प्रोड्यूसर हजरात ये होते हैं ना, वो रेटिंग और टीआरपी के चक्कर में ऐसे सवाल, अब वो खिलाड़ी तीन चार बैठे हुए हैं, उसमें हरभजन ही था जिसको मैं जानता हूं, अब वो उसने पूछा कि यार ब्रायन लारा और बाबर आजम, अब वो हंसने के बाद हरभजन भाई ने तो कुलाटियां मारनी शुरू कर दी, फल उतार रहे हैं ये उतार रहे हैं, अबे भाई क्यों कि, मतलब उस प्रोड्यूसर का पूछो ना जिसने ये सवाल डाला। हर जगह आप मुझे बताओ इस किस्म के सवाल जो है ना, जितने भी ये सोशल मीडिया पे हैं, आपका कुली टेल्स आता है कौन सा उसके अंदर भी, कपल छो है उसके अंदर भी, हर प्रोग्राम में माइक रख के एक भांड मरासियों वाला सवाल होता है, कंपैरिजन होता है ताकि हंसे। यार किसी खिलाड़ी का किसी भी लेवल पे मजाक नहीं उड़ाओ, मैं कहता हूं कोई मुकाबला नहीं है, किसने इस सवाल डाला कि ब्रायन लारा का बाबर आजम के साथ मुकाबला, बाबर आजम का तो मिसबा के साथ मुकाबला नहीं है, बाबर आजम का तो पाकिस्तान के यूसुफ के साथ मुकाबला नहीं है, ब्रायन लारा सदियों में पैदा होता है उसके बाद फौरन संगाकारा का नाम डाल दिया, संजीदगी आ गई। तो यार आप कॉमेडी शो या तो कह दो ना, कॉमेडी शो में किसी भी हर खिलाड़ी की इज्जत है ठीक है, लेकिन बाबर आईसीसी वाले पागल है जो टॉप रैंकिंग में वो चलता रहे, और हरभजन भाई बॉल पड़ती थी तो पाकिस्तानी मारते थे ना, भूल गए हरभजन भाई भी शाहिद अफरीदी को इन सबको, लेकिन भाई खुदा का वास्ता है सोशल मीडिया पे बैठ के खिलाड़ी को जेब नहीं देते या कार्टून गिरी करने का, कोई पाकिस्तान से गया था उस प्रोड्यूसर के पास कि तुम ब्रायन लारा और बाबर आजम का कंपैरिजन करो, हम भी तनकीद कर रहे हैं खिलाड़ी के ऊपर, आप तनकीद करें ना, ऐसी तनकीद हो, मॉन्की गेट स्कैंडल ज्यादा नहीं बोलूंगा, नेट पे जाके देखना, हरभजन सिंह भाई थे क्या वावेला मचा था, क्रिकेट जो है वो एक सुरफा का खेल है, ये भांड मरासी पर चाहे पाकिस्तान में करे चाहे कोई इंडिया में करे, यहां पर भी एक साहब बैठे थे ना बाबर आजम जुआरी, बाबर आजम सटोरिया, ये अब एक अरब का हरजाना सब कुछ हो गया है, किसी की इज्जत मत उतारें। किसने कहा पाकिस्तान से कहा था शो के बंदर कि तू यार बाबर ब्रायन लारा को उसके साथ मिला दे बाबर आजम के साथ, कार्टून गिरी तो की, फिर उसको कहा होगा हरभजन को तूने उठा के फल उठाने, फिर बंदर की तरह कुलाटी मारनी है, ये करना है वो करना है, यार ये नहीं, मैं कहता हूं चाहे इधर से करे या उधर से करे, जो सीनियर क्रिकेटर हैं ये हरकत कभी राशिद लतीफ ने की, वकार यूनुस ने की, वसीम अकरम ने की, इंजमाम ने की। दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है वो हरभजन सिंह के इस स्टेटमेंट के बाद और उनकी हंसी के बाद कितना ज़्यादा गुस्से में है। दोस्तों पाकिस्तानी जो है वो आज भी जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के
सुपर एट में नहीं पहुंचने के बाद भी बाबर आजम को T20 का नंबर वन प्लेयर मान रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व कई सारे खिलाड़ियों ने बाबर आजम पर सवाल उठाए हैं और अभी तो कल ही शोएब मलिक ने TV पर यह बात कही है कि बाबर आजम की जो कैप्टेंसी है वो नहीं बनती और बाबर आजम पाकिस्तान के लिए एक अच्छा प्लेयर हो सकता है, लेकिन अगर हम चार बड़ी टीमों की बात करें तो उनमें उनका जगह भी नहीं बनता। मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसे शोएब मलिक ने भी बाबर आजम को टारगेट किया है, लेकिन क्योंकि हरभजन सिंह ने ये बात कह दी है उसको लेकर पाकिस्तानियों में जलन है। आखिरकार हरभजन सिंह ने यह बात क्यों की? दोस्तों हरभजन सिंह ने कुछ कहा नहीं, बस वो जो हंस रहे थे जब बाबर आजम का नाम लिया गया, तो इसको देख के पाकिस्तानियों को लग रहा है कि बाबर जो हरभजन सिंह है उन्होंने मजाक उड़ाया है। दोस्तों जिस तरीके से बाबर आजम की परफॉर्मेंस T20 वर्ल्ड कप में रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। वो आपको पता है कि बाबर आजम की कैप्टेंसी की वजह से ही पाकिस्तान जो है वो सुपर एट में नहीं पहुंच गया और पाकिस्तान की पब्लिक भी ये बात समझती है और पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो लाइव टीवी पर आकर ये बात कहती है कि बाबर आजम को T20 से निकाल देना चाहिए और ODI में भी उसको कैप्टेंसी नहीं देनी चाहिए। मतलब इस प्रकार की बातें पाकिस्तान में चल रही है, लेकिन क्योंकि हरभजन सिंह ने ये बातें करती तो ये पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई और पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडियन ऐसा क्यों बात कर रहे हैं। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही, आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से वीडियो को लाइक और चैनल INN News को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक INN News।